तस्वीरें चौंकाने वाली जरूर है, क्योंकि इसराइल शायद दूसरा ऐसा देश है जो दुश्मनों के खिलाफ इस तरीके की टेक्निक को अपना रहा है। IDF के जवानों ने गाजा से लगे भूमध्य सागर में बड़े पाइप डाले हैं और मशीन के जरिए पानी को हमास की सुरंगों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इसके लिए कई मीटर की पाइप का इस्तेमाल किया गया है। IDF के इस ऑपरेशन से संकरी सुरंगों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अंधेरी सुरंगों में प्रचंड वेग से बहता पानी भी नजर आया है। हालांकि गाजा में करीब 500 किलोमीटर की ये सुरंगें किस तरीके से अभी तक IDF के लिए चुनौती बनी हुई थी और IDF इन सुरंगों को टारगेट करते हुए अब किस तरीके से मिशन सी वाटर के तहत एक और बड़े वार की तैयारी में है, इसकी कुछ और डिटेल्स भी आपके सामने होंगी। लेकिन कुछ सुरंगें आपस में जुड़ी हुई हैं और कुछ सुरंगें सीमित लंबाई की हैं। ऐसे में किस तरीके से इन्हें आप खत्म करने का ये प्लान बनाया गया है, क्योंकि IDF का मानना है कि जो सुरंगें आपस में जुड़ी हुई हैं उनमें बाढ़ आने से हमास के लड़ाके बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगे, उनका आसानी से खात्मा हो सकेगा। क्योंकि गाजा में सुरंगें अभी भी चुनौती तो हैं, सुरंगों की वजह से हमास अभी भी IDF के काम को मुश्किल बना रहा है। ऑपरेशन कैसे चल रहा है, डिटेल आपके सामने, क्योंकि सुरंग में ऑपरेशन सी वाटर को लेकर खबरें बड़ी हैं कि अभी तक हैवी पंप के जरिए सुरंगों तक पानी पहुंचाया गया है। समुद्र से सुरंग तक पाइप का कई मीटर का ये पूरा जाल है। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि हर घंटे हजारों क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा जा रहा है और जमीन से लेकर पाताल तक हमास को उखाड़ फेंकने की ये बड़ी रणनीति अब अपनाई गई है। नतीजा आखिर होगा क्या, इसराइल की हमास पर संपूर्ण विजय? सुमित, ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से गाजा स्ट्रिप पूरी समुद्र के आसपास है, ये साफ हो गया कि पहले ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए घेराव हुआ, ये भी साफ हो गया कि अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक्स हुई। अब ये जो मिशन सी है, सी वाटर, ये वाकई कंसिडर किया जाएगा, कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर इन्हीं सुरंगों में बंधक हुए तो देखिए ये सिग्निफिकेंट तो है ही, इसके साथ साथ ये फुल प्रूफ भी है। अगर आप देखें कि 800 का टारगेट था ऐसी हमास की टनल्स का, जिसमें से 500 को अचीव कर लिया गया, 300 में अभी भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिनको खाली करा लिया गया था या फिर जिन पर डी पेनिट्रेटेड मिसाइल से अटैक किए गए थे, उनमें अगर जाकर देखा जाए फिजिकली, वो करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर उनके IDs लगे हों, उन्होंने अपने ट्रैप्स बिछा रखे हों, हो सकता है कि वहां पर लगातार वो छुपे हों। तो उसके लिए सबसे सेफ, अगर एक सबसे सेफ्टी मेजर से आप कह सकते हैं कि सेफ अगर कदम हो तो वो यही हो सकता है कि उसमें पानी भर दिया जाए, जिससे ना सिर्फ ये ट्रैप्स को आप निष्क्रिय कर सकते हैं बल्कि आप लगातार वहां जो लोग छुपे हुए हैं हमास के, वो भी बाहर आ जाएंगे और इंटरनल्स को बर्बाद करने का, यानी इनको पूरी तरीके से बर्बाद करने का फ्यूचर में भी इस्तेमाल ना कर सके, ये भी किया जा सकता है। तो ये एक सेफ्टी मेजर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, जो ऐसी जगहों पर हमेशा किया जाता है जहां पर फोर्सेज अंदर नहीं जा सकती, या तो आप उसको निष्क्रिय कर दीजिए बम से, आप उसको निष्क्रिय, लेकिन अगर नहीं जा सकते तो फिर आप उनको वाटर की मदद से, पानी की मदद से पूरा भर दें ताकि जो भी अंदर शख्स हो वो बाहर खुद ही आ जाए। बिल्कुल, मैं इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर आ गई है, क्योंकि गाजा में इजरायली फोर्स और हमास में भीषण लड़ाई जारी है, जहां इजरायली फोर्स ने हमास के 250 ठिकानों पर हमले का दावा किया है और गाजा में लगातार गोलीबारी की तस्वीरें सामने हैं। इजरायली फोर्स जिस तरीके से गोलीबारी कर रही है, हमास इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर हमले को लेकर खबर बड़ी है।